किसी फिल्म देखता हूँ तो वो मुझे जब अच्छी लगती है तो मैं खुल के तारीफ करना चाहता हूँ तो मैंने बहुत तारीफ़ की थी कार्तिक की मुझे बहुत अच्छा काम लगा था कार्तिक का और उसके बाद जब जब इसकी फिल्में आती रही हमेशा मैं बहुत इम्प्रेस होता रहा कि यार ये तो बहुत ही अच्छा काम करने उसके बाद एक दो मरतबा हमारी लंदन में मुलाकातें भी हुई तो एक जान पहचान दोस्ती यारी और एक दूसरे को पसंद करने का जो मामला होता है एक लाइकिंग वो शुरू से हो गई थी जब ये फ़िल्म की बातें शुरू हुई एंड uh, uh, मुराद भाई भूषण जी और हम लोग सब बैठे तो सब सबसे पहली जो चॉइस थी हमारे जहन में वो ये थी कि अगर ये कार्तिक करे तो बहुत अच्छा करेगा इसलिए कि इसके अंदर बहुत अजीब बदमाशी है और ये काफ़ी बदमाश भी है और कॉमेडी है बहुत तो मुझे लगता है कि इस रोल के लिए एप्ट थे कार्तिक एंड uh, हम लोगों ने कार्तिक को अपना सुनाया एंड लकीली उनको अच्छी लगी फिल्म और कार्तिक ने कर ली सर ने जो बोला ना कि हम मिलते रहते लंदन हम इधर उधर पे भी मिलते हैं लंदन में एक दो बार मिल गए थे गलती से ऐसे नहीं सिर्फ लंदन में मिलते थे <laughs> तो हाय कार्तिक हिमेश हिमेश्स योर लेफ्ट इधर हाँ हाँ हाय मिश हाय हाय फर्स्टली कंग्रेट्यूएशंस टू योर टीम ऑन द ट्रेलर थैंक यू माय क्वेश्चन टू इज कार्तिक दिस इज योर फर्स्ट थिएट्रिकल रिलीज आई थिंक आफ्टर टू इयर्स हाउ एक्साइडेड आर यू ऑन दैट फ्रंट टू यू नो गेट बैक टू द बॉक्स ऑफिस एंड गेट द नंबर्स रोलिंग बिकॉज़ � सीरियसली बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि थिएटर्स का जो एक आ, आ, क्या बोलते हैं एक एक्सपीरियंस होता है कम्युनिटी व्यूइंग का जो एक मजा होता है उसकी बात ही अलग है तो भूल भूलिया टू हमें वो एक मौका दे रही है और पर्सनली uh, मुझे भी एज एन एक्टर वापस से वो चीज़ करना है ये सब प्रमोशनल इवेंट्स करना आप सबसे मिलना uh, फिल्म के बारे में बात करना फ़िल्म की चीज़ें दिखाना सो so, वो एक एक्साइटमेंट रहता है और रिलीज़ तक एक एक्साइटमेंट रहता है फिर बॉक्स ऑफिस क्या हो रहा है कितने लोग आ रहे हैं तो यू लव दैट एक्सपीरियंस तो आई थिंक वो वापस से चालू हुआ एंड आई एम आई एम रियली गोइंग फॉर एंड मतलब बहुत चीज़ें करने वाले हैं अभी हम and uh, murad sir and I... anees bhai uh, one question for you murad bhai you said that uh, you came across this script and thought of making it into Bulbulaya. what was the idea behind this and how easy difficult was it to convince anees Bhazmi to direct a horror comedy because it's a first for him it was uh, not that hard because anees bhai see he has done most of the so, films were comedy but he is a very versatile director he can do any genre